भाई अगर डिस्कशन हम चले करनी है। चलिए जी, विजुअल मेमोरी में ये था कि हम हमारी जो मेन मेमोरी होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है और उसमें सारे प्रोसेस जो हैं हम लोड नहीं कर सकते, और हमें फिर करना क्या पड़ता है कि हम विजुअल मेमोरी का कंसेप्ट लेके आते हैं अपने पास। हम प्रोसेस का कुछ हिस्सा अपने पास लोड कर लेते हैं मेन मेमोरी में और बाकी जो पार्ट होते हैं वो हम लोड नहीं करते। उस केस में हमने देखा था कि फिर हमारे पास फिर भी एक स्टेज आएगी जब हमारे पास मेमोरी फुल हो जाएगी, तो उस टाइम हम फिर क्या करेंगे, हमने कौन से प्रोसेस को इन करना है और कौन से को आउट करना है। फॉर एग्जांपल, प्रोसेस P1 हमारे पास चल रहा था और उसके 2 पेजेस हमने सिर्फ लोड किए मेमोरी के अंदर, और नेक्स्ट टाइम CPU ने डिमांड की कि Page 3 भी हमें चाहिए। जब Page 3 को हमने मेन मेमोरी से दोबारा लोड किया अपने मेन मेमोरी के अंदर, तो हमने देखा कि हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, हम कुछ जो पेजेस हैं जो कम यूज़ हो रहे हैं किसी वजह से, उनको हमें स्वैप आउट करना पड़ेगा। वो मेन मेमोरी से बाहर जाएंगे तो ही नए प्रोसेस को जो पेजेस हैं उनको चांस मिलेगा मेमोरी का। अच्छा चलें, अटेंडेंस लगा रहे हैं आप, ठीक है, अटेंडेंस अपनी साथ साथ लगाते जाएं और चैट हम अपने पास सेव रख लेंगे और वही हमारी अटेंडेंस का रिकॉर्ड बन जाएगा। तो अब इसके अंदर हमने कुछ एल्गोरिदम देखे थे कि हमने कैसे यहाँ पे रिप्लेसमेंट जो करनी है, पेज रिप्लेसमेंट की, जो किसी पेज को अगर मेन मेमोरी से एग्जिट करना है तो वो किस बुनियाद पे करेंगे, अगर इन करना है तो वो किस बुनियाद पे करेंगे। तो सबसे श्योर पहले में जो हमने देखा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पेज सबसे पहले आएगा तो वही सबसे पहले जाएगा। जैसे हमारे पास एक यहाँ पे एक स्ट्रिंग की टाइप आई हुई है, रेफरेंस स्ट्रिंग हमारे पास आई हुई पेजेस की, ये रेफरेंसेस आए हुए हैं 1 2 3 4, 1 2 3, अगर हमारे पास 3 फ्रेम्स भी हो सकते हैं मैक्सिमम तो 1 2 3 लोड हो जाएंगे और उसके बाद जो 4 1 2 हैं वो वेटिंग में रहेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे इस केस में जो सबसे पहले हमारे पास अगर रेफरेंस 1 आया है तो 1 ही रिमूव होगा इस केस में। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को हम डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने देखा था उसके बाद ऑप्टिमम एल्गोरिथम, इसके अंदर हमने देखा था कि जो पेज सबसे ज़्यादा देर से मेन मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको ही एग्जिट किया जाए ताकि वो आने वाले पेजेस को स्क्रीन के लिए स्पेस बन सके। तो इसको हमने ऑप्टिमम एल्गोरिथम का नाम दिया था। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एल्गोरिथम जो आज हमने यूज़ करना है, जिसे स्टार्ट लेना हमने, वो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम है हमारे पास। जो सबसे कम पेज इस्तेमाल हो रहा है इससे नहीं फर्क पड़ता। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर हमने कहा था कि जो सबसे पहले पेज अगर वहाँ पे आया है तो उसको हम वहाँ से आउट कर दें, स्वैप आउट कर दें मेन मेमोरी के अंदर से। फिर हमने ऑप्टिमम एल्गोरिथम के अंदर देखा कि जो पेज सबसे कम इस्तेमाल हो रहा है किसी वजह से, जिसका यूज़ नहीं है, उसको स्वैप आउट कर लें। अब हम देख रहे हैं कि फिर हमारे पास अब है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम, हम जो LRU जिसको कहते हैं, जो पेज हमारा सबसे कम यूज हो रहा है किसी वजह से और उसको हम स्वैप आउट कर देते हैं, और इसको हम LRU एल्गोरिथम का नाम देते हैं। जब भी आपने एल्गोरिथम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे होते हैं तो हमने कोई ना कोई एल्गोरिथम डिफाइन करना होता है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इन केस हमने मेमोरी को भी बेहतर यूटिलाइज करना है तो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट यही है कि हमने वहाँ पे मेन मेमोरी की जगह बजाय फिजिकल मेमोरी जो हमारी हार्ड डिस्क है उसके ऊपर कुछ एरिया एलोकेट कर लेना है, जो पे प्रोसेस का कुछ बकाया हिस्सा होगा तो वहाँ पे हम लोड नहीं कर रहे, वो अपनी वर्चुअल मेमोरी के अंदर हम स्टोर करेंगे। उसके हम कुछ एल्गोरिथम देख रहे हैं कि मेन मेमोरी के अंदर हमने किसी पेज को लेके आना है और स्पेस अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम फिर क्या करें। तो सबसे पहले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देख लिया हमने, फिर ऑप्टिमम एल्गोरिथम देख लिया, अब हम LRU देख रहे हैं, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो सबसे कम यूज हो रहा है किसी वजह से कोई पेज, उसको आप स्वैप आउट कर दें और उसकी जगह पे नया पेज जो है वो आप स्वैप इन कर लें। ये भी एक टेक्निक है, इसको आगे देखते हैं।
इसमें होता क्या है, ये स्टैक कितना ही इंप्लीमेंट करते हैं हम इसको, अब इसके अंदर हम हर पेज का रिकॉर्ड डबल लिंक के अंदर स्टोर करते हैं। एक तो हम कर रहे हैं इसके अंदर सिंपली ये है कि हम दो चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं कि आया ये जो पेज है या प्रोसेस है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, क्या ये रेफरेंस किया गया है। रेफरेंस का मतलब है क्या ये कहीं पे यूज़ हो रहा है या इसको कितनी दफ़ा यूज़ किया गया है, एक तो इसका रिकॉर्ड रखते हैं, और एक अलग से जो प्रोसेस और जो पेजेस या फ्रेम जो हमारे पास अवेलेबल है मेमोरी में उनका रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टैक के थ्रू करते हैं हम, उनका रिकॉर्ड को जो है ना डबल लिंक के फॉर्म में कैसे पेज रेफरेंस को हम अपने पास जिसको सबसे ज़्यादा रेफरेंस किया जा रहा है, जिस पेज को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, इसको हम किसके ले आते हैं टॉप के ऊपर, और बाकी जो ऑटोमेटिकली जिसको कम रेफरेंस किया जा रहा है वो स्टैक के नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमने कोई पेज रिमूव करना होगा मेन मेमोरी के अंदर से, तो हम स्टैक के नीचे से देखेंगे कि जो पेजेस यूज़ कम हो रहे हैं डेफिनेटली वो टॉप के ऊपर नहीं होंगे, तो उनको हम रिप्लेस कर देंगे। इसके लिए हमें फ़ायदा क्या है, बाकी जितने भी ऑप्टिमम एल्गोरिथम हैं उसके लिए हमें सर्चिंग करनी पड़ती है कि कौन सा प्रोसेस है जो सबसे कम इस्तेमाल हो रहा है। तो डेफिनेटली सबसे पहले तो इस चीज़ की सर्चिंग करें कि कौन सा ऐसा पेज है या फ्रेम है जो सबसे कम इस्तेमाल हो रहा है। इस केस में जो पेज या फ्रेम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा वो ऑटोमेटिकली उस टैग के ऊपर टॉप पे आता जाएगा, और जो सबसे कम यूज़ हो रहा होगा उस टैग के नीचे चला जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आपने कोई पेज रिप्लेस करना है, कोई नया प्रोसेस का कुछ हिस्सा लोड करना है, तो सब स्टैक के अंदर जो सबसे नीचे वाले पेजेस अवेलेबल होंगे उनका मतलब ही यही होगा कि ये पेजेस सबसे कम इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए ये टॉप के ऊपर नहीं है, तो उनको हम रिमूव करते जाएंगे, और इस केस में हमें कोई सर्चिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये भी एक टेक्निक है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम की, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टैक के थ्रू करते हैं। स्टैक आपको पता है कि जैसे बर्तनों की एक स्टैक होती है कि आप बर्तन ऊपर से इंसर्ट करते जाते हैं, तो जो नीचे वाला हिस्सा है, जैसे आप ये जो सिक्योरिटी कैमरास की रिकॉर्डिंग होती है, ये भी स्टैक का फार्मूला इसके ऊपर लगाया गया होता है कि वो लास्ट एक मंथ का या एक वीक का रिकॉर्ड अपने पास सेव रखते हैं, तो उससे पहले वाला जो रिकॉर्ड होता है पुराना होता जाता है, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से उसकी डिलीशन होती जाती है, वो आखिरी एक मंथ का रिकॉर्ड ही अपने पास जो कैमरेज हैं वो सेव करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो सबसे पुराना होता जाता है वो ऑटोमेटिकली डिलीट होता जाता है, जो फ्रेश है वो टॉप पे आता जाता है। तो इस केस में वो कहता है कि जो पेजेस आपने रेफरेंस किए हैं, जो आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, जो लोड हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली स्टैक के टॉप पे आते जाएंगे, और जो सबसे कम इस्तेमाल हो रहे हैं वो स्टैक के बॉटम में जाते जाएंगे, और बॉटम वाले रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली आप रिप्लेस कर सकते हैं, उनको सर्च आउट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई नया पेज आपने स्वैप इन करना है तो ऑटोमेटिकली स्टैक के नीचे से स्वैप आउट कर लें, जो भी पेज या प्रोसेसर वहाँ पे मौजूद है उनको स्वैप आउट कर दें, तो इस केस में सर्चिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, और ये दूसरे एल्गोरिथम से कदरे इस लिहाज से बेहतर भी हो जाएगा। ये हमारा LRU एल्गोरिथम है। फिर इसी की एक और फॉर्म है LRU अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम। अब इसके अंदर आप क्या करते हैं कि रेफरेंस बिट का एक एडिशन करते हैं कि जिस पेज को आपने यूज़ किया या वो कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा बिट आपने लगाई हुई है, उसको हम रेफरेंस बिट का नाम देते हैं। अगर वो रेफरेंस किया गया है, रेफरेंस का मतलब है कहीं पे उसको इस्तेमाल किया गया है, तो उस बिट को कर दें 1। अगर वो रेफरेंस नहीं किया गया, तो कहीं पे इस्तेमाल नहीं हुआ, तो रेफरेंस बेस्ड बिट को आप 0 कर दें। अब जब भी आपने कोई पेज रिप्लेस करना होगा, तो जिस पेज का रेफरेंस बिट 0 होगी उसको स्वैप आउट कर लेंगे, उसको टेम्परेरली वर्चुअल मेमोरी में ले आएंगे, और जो पेज आपको वहाँ पे डिमांड किया गया है, जो डीजेस की डिमांड हो रही है, उसको आप वहाँ पे स्वैप इन कर लेंगे। तो ये अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने का एक तो स्टैक वाला फार्मूला हमने देखा, और दूसरा देख रहे हैं रेफरेंस बिट वाला कि आप हर एक पेज के साथ एक एक्स्ट्रा रेफरेंस बिट ऐड कर दें। अगर उसको रेफरेंस किया गया है, रेफरेंस मीन अगर उसको यूज़ किया गया है, कहीं पे कॉल किया गया है, तो बिट को कर दिया जाए 0, अदरवाइज बिट रहेगी 0, बिट को कर दिया 1 अगर रेफरेंस किया जाएगा, और अगर नहीं किया गया तो बिट होगी हमारे पास 0। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमने कोई पेज रिप्लेस करना होगा, तो हम देखेंगे कि जो पेज के साथ हम स्वैप आउट कर रहे हैं, जो स्वैपिंग करने जा रहे हैं, क्या उसकी बिट 1 है या 0 है। अगर 0 है तो उस केस में उसको हम स्वैप आउट कर सकते हैं, और अगर 1 का केस है तो हम स्वैप आउट नहीं कर सकते। अब सेकंड चांस ये है कि हम हमें रेफरेंस बिट की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर हम
क्लॉक रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्लॉक रिप्लेसमेंट क्या है कि आप ऑर्डर के लिहाज से इन चीज़ों को सेट करते हैं, जैसे सेट रेफरेंस बिट जीरो, लीव पेज इन मेमरी, रिप्लेस नेक्स्ट पेज सब्जेक्ट टू द सेम रूल्स। अब इस कदर ये होता है कि क्लॉक रिप्लेसमेंट के अंदर यह है कि टाइम के लिहाज से या ऑर्डर के लिहाज से आप उसको रिप्लेस करते हैं। आपका ये पेज कैन बी रिप्लेस्ड इन अ क्लॉक ऑर्डर हैज रेफरेंस बिट वन देन सेट रेफरेंस बिट टू जीरो। अब अगर वो पेज बहुत नीचे चला गया, काफ़ी टाइम हो गया उसको रेफरेंस नहीं किया गया, तो उसकी रेफरेंस बिट भी चेंज नहीं हुई, तो उस केस में जब आप कोई नया पेज लेके आएंगे तो उस केस की जैसे ही उसको लोड करेंगे तो उसको सबसे पहले उसकी रेफरेंस बिट को ज़ीरो करना होगा। इसको दोबारा समझ लेते हैं हम। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि एक टेक्निक हमने स्टैक वाली देख ली, फिर हमने रेफरेंस बिट वाली देख ली, फिर सेकंड चांस हमने देखा कि आप क्लॉक वाइज क्लॉक के हिसाब से रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो जो सबसे नीचे या काफ़ी देर हो चुकी है लेकिन उसकी रेफरेंस बिट भी जो है वो वन है, क्योंकि उसको एक दफ़ा तो रेफरेंस किया गया है तो उसकी बिट वन हो गई थी और बिट चेंज नहीं हुई किसी वजह से, तो फिर आप उसका टाइम के लिहाज से उसको रिप्लेस स्वैप आउट करते हैं, अपनी मेन मेमोरी से दोबारा वर्चुअल मेमोरी में भेजते हैं। तो उस केस में फिर जब आप नया पेज उसकी जगह लोड करेंगे तो सबसे पहले आपको उसकी रेफरेंस बिट को ज़ीरो करना होगा, फिर उसको मेमोरी में छोड़ दें और मेमोरी में फिर उसका नेक्स्ट जो रूल्स होंगे वो सारे डेफिनेटली क्लॉक ऑर्डर के हिसाब से जो स्टैक वाला ऑर्डर है ऑलमोस्ट वही ऑर्डर उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, और नेक्स्ट टाइम उसको जब स्वैप इन करना है या स्वैप आउट करना है तो वो रेफरेंस बिट के हवाले से हम उसको स्वैप इन या स्वैप आउट कर लेंगे। सिंपली जेनेरिकली अगर इसको हम सिंपल करके देखें तो इसका मकसद यही है कि स्टैक के एल्गोरिथम के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसकी जिसको बार बार रेफरेंस किया जा रहा है उसको टॉप पे ले आएँ, जिसको बार बार यूज़ किया जा रहा है उसको टॉप पे ले आएँ, और बाकी को आप क्या करें उसको नीचे बॉटम में ले आएँ स्टैक के। तो जब भी आपने रिप्लेस करना है तो बॉटम से रिप्लेस करना है, तो एक तो ये है, एक ये तरीकाकार है। दूसरा आप कहते हैं कि हर पेज के साथ आप रेफरेंस बिट ऐड कर देते हैं, और जब भी किसी पेज को रेफरेंस किया जाता है तो उसकी बिट वन कर दी जाए, और जिसको रेफरेंस नहीं किया गया इसका मतलब यह है कि कुछ पेजेस आपने मेमोरी के अंदर लोड कर लिए लेकिन वो कहीं पे इस्तेमाल नहीं हुए, तो इसका मतलब उनकी रेफरेंस बिट क्या रहेगी, ज़ीरो ही रहेगी। पेज लोड तो किए लेकिन वो कहीं पे इस्तेमाल नहीं हुए तो इसका मतलब उनकी रेफरेंस बिट ज़ीरो होगी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने इस्तेमाल होना था तो तभी उनकी रेफरेंस बिट वन होनी थी, जो बिट एक्स्ट्रा हमने लगाई हुई थी। अब इन केस आप एक दफ़ा कोई प्रोसेस जो है या पेज जो है वो लोड हुआ तो उसकी रेफरेंस बिट वन हो गई, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं आया, तो उसको भी हम क्लॉक के हिसाब से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं कि उसको टाइम ज़्यादा हो गया है, तो क्योंकि उसकी बिट वन भी है तो टाइम ज़्यादा हो गया है मेन मेमोरी में, तो उसको भी हम स्वैप आउट कर सकते हैं वर्चुअल मेमोरी के अंदर। और वर्चुअल मेमोरी जो हमने अलग से मेमोरी का एक एलोकेशन की हुई है अपने सुबह से, जो हमारे डिमांड पेज है उसको हम स्वैप इन कर देते हैं। तो ये हमारा LRU अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम की एग्जाम्पल थी। आगे चलते हैं, अब हमारे पास आ रहा है काउंटिंग एल्गोरिथम। ये वो डिफरेंट एल्गोरिथम या टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। काउंटिंग के अंदर क्या है कि आप साथ साथ, अब ये सिंपली इस कंसेप्ट को थोड़ा समझ लें कि जितनी बार रेफरेंस किया गया उसको भी काउंटर किया जाए कि ये कितने बार रेफरेंस हुआ है। अब एक तो स्टैक का तरीकाकार था, लेकिन उसके अलावा भी है कि आप स्टैक नहीं बनाते, आपके पास मेमोरी मेन मेमोरी के अंदर आप स्टैक के अंदर मैनेज करने लगे, फिर सर्चिंग का ऑप्शन भी वहाँ पर आ सकता है, उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा, तो उस केस में हम काउंटिंग एल्गोरिथम लगा लेते हैं। कोई पेज अगर ज़्यादा दफ़ा रेफरेंस होता है तो उसके साथ उसका काउंटर लगा दिया जाए कि ये इतने दफ़ा ये यूज़ हो चुका है। अब कुछ लीस्ट रेफरेंस्ड पेज होंगे और कुछ ज़्यादा यूज़ होने वाले पेजेस होंगे। अब जिनका ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे उनका, जो सबसे कम यूज़ हो रहे होंगे उनका वो काउंटर नंबर जो साथ आपने लगाया हुआ है वो कम होगा, जो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं उनका काउंटर नंबर डेफिनेटली ज़्यादा होगा। अब करेंगे क्या हम, जिसका दोबारा इसको समझते हैं, एक पेज अब काउंटिंग एल्गोरिथम के अंदर हम कर कह रहे हैं कि एक पेज आपने लोड किया उसके साथ एक्स्ट्रा काउंटर लगा दिया, जितनी दफ़ा वो पेज रेफरेंस हुआ या इस्तेमाल हुआ उस काउंटर के अंदर एक की एडिशन होगी। अब दो तरह के पेजेस हमारे पास बन जाएंगे, कुछ को ज़्यादा रेफरेंस किया गया होगा मैक्सिमम, कुछ को कम, लिस्ट जो रेफरेंस पेजेस होंगे, दो तरह के पेजेस आपके पास अवेलेबल होंगे। तो आपने जब स्वैप इन या स्वैप आउट करना है तो जो जिन पेजेस को सबसे कम इस्तेमाल किया जा रहा है उसको स्वैप आउट कर लें, और जिनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है मैक्सिमम जिनकी यूटिलाइजेशन है उनको स्वैप आउट
ना करें, क्योंकि डेफिनेटली सीपीयू उनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहा होगा, तो उनकी इंपॉर्टेंस वहाँ पे ज़्यादा है, तो उनको हम वहाँ से आउट नहीं करते। तो काउंटिंग एल्गोरिथम के अंदर हमने जो पेजेस लोड करने हैं उनके साथ एक एक्स्ट्रा काउंटर ऐड करना है। अब यहाँ पे ना तो स्टैक ना रहे हैं, या कोई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की टेक्निक हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, ना इसके ऊपर कोई ऑप्टिमम एल्गोरिथम की टेक्निक हम अपना रहे हैं। ये हमारा अलग से एल्गोरिथम है। इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं कि जब भी कोई पेज फ्रेम आपकी मेन मेमोरी में लोड होगा तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा काउंटर हम लगा देंगे। तो काउंटर ये काउंट करेगा कि जो पेज जितनी दफ़ा रेफरेंस लोड रहा होगा उतनी दफ़ा काउंटर के अंदर एक की एडिशन हो जाएगी। तो जिनका काउंटर नंबर जो ज़्यादा रेफरेंस होंगे उनका काउंटर नंबर ज़्यादा होगा, और जो कम रेफरेंस होंगे कम यूज़ होंगे उनका काउंटर नंबर कम होगा, लीस्ट यूज होंगे और कुछ मैक्सिमम यूज होंगे। तो जब आपने किसी पेज को मेन मेमोरी के अंदर से स्वैप आउट करना है, उसको वर्चुअल मेमोरी में लेके जाना है, वहाँ से मेन मेमोरी से हटाना है, अपने नए आने वाले डिमांड पेज की जगह वहाँ पे क्लियर करनी है, तो उस केस में उस पेज को आप मेमोरी से आउट करें जो सबसे कम जिसका काउंटर नंबर है। काउंटर नंबर कम होने का मतलब ये होगा कि वो पेज सबसे कम इस्तेमाल हो रहा है हमारी प्रोसेसिंग के अंदर, तो उसको हम आउट कर देंगे। इसको हम कहते हैं काउंटिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब ये जो एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स है, हमने कहा कि फ्रेम या पेजेस, पेज साइज और फ्रेम साइज इक्वल होता है बेसिकली। और ये जो फ्रेम्स हैं, अब मेन मेमोरी के अंदर फ्रेम जो बना रहे हैं, तो इसको हम, हमने तो कह दिया कि किसी फ्रेम को इन या आउट कर लेंगे, डिफरेंट एल्गोरिथम भी देख लिए, लेकिन उस फ्रेम का कोई ना कोई साइज भी तो होगा ना, वो साइज कौन डिफाइन करेगा? अब हर प्रोसेस को चाहिए को मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, हर प्रोसेस जो के मेन मेमोरी में वो लोड करना चाहता है, तो अब वो पेजेस कितने होंगे, अब वो पेजेस साइज आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो दो तरीकाकार हैं फ्रेम्स के एलोकेशन के, एक तो फिक्स्ड एलोकेशन है और दूसरी हमारे पास प्रायोरिटी एलोकेशन है। फिक्स्ड एलोकेशन के अंदर हम देखते हैं आगे, फिक्स्ड एलोकेशन के अंदर तो आप इक्वल एलोकेशन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेन मेमोरी के अंदर टोटल आपके पास 100 फ्रेम्स अवेलेबल हैं और आपके पास 5 प्रोसेस हैं जिनको आपने मेन मेमोरी में लोड करना है, तो उस केस में आप करते क्या हैं कि हर एक प्रोसेस को आप 20 पेजेस दे देते हैं, क्योंकि वो मिनिमम पेजेस होंगे जो वो मेन मेमोरी के अंदर मेंटेन कर सकता है। तो वो आप इक्वल एलोकेशन कर रहे हैं फिक्स्ड एलोकेशन के अंदर, या प्रोपोर्शनल एलोकेशन भी कर सकते हैं। आप एलोकेट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ प्रोसेस, अगर एक प्रोसेस छोटा है तो उसको कम फ्रेम दे दें, और एक प्रोसेस ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा फ्रेम दे दें, तो अगर वो ज़्यादा साइज का है तो ज़्यादा फ्रेम दे देंगे। तो फिक्स्ड एलोकेशन के अंदर कहने का मतलब यह है कि जितने फ्रेम्स हैं उन्हीं को जो प्रोसेस डिमांड कर रहे हैं उनके ऊपर डिवाइड कर दें। ये तो आपके पास है फिक्स्ड एलोकेशन। और फिक्स्ड एलोकेशन के अंदर दो टेक्निक्स हैं, एक तो है इक्वल एलोकेशन और सेकेंडली है प्रोपोर्शनल एलोकेशन, के जिस हिसाब से उस प्रोसेस का साइज है उसी हवाले से उसको आप पेज जो है वो एलोकेट करें। अब दूसरी टेक्निक जो है, फ्रेम जो हमने लोड करने हैं मेन मेमोरी के अंदर उनकी जो एलोकेशन है उसको हम कहते हैं प्रायोरिटी एलोकेशन। अब ये जो है प्रोपोर्शनल एलोकेशन स्कीम को यूज करते हुए हम प्रायोरिटी एलोकेशन करते हैं। अब जो प्रोपोर्शनल एलोकेशन स्कीम यूजिंग प्रायोरिटी रादर देन द साइज, अब यहाँ पे हम साइज के ऊपर नहीं जाते किसी प्रोसेस के, उसकी प्रायोरिटी के ऊपर जाते हैं। प्रायोरिटी ये है, फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी को सिंपल हम समझने के लिए कोशिश करते हैं, कोई प्रोसेस या फ्रेम आपका सिस्टम जनरेटेड कॉल आ गई तो वो प्रोसेस या फ्रेम आपकी, उसकी प्रायोरिटी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी कोई कॉल आ गई, अपना कोई प्रोसेस आ गया जिसको एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है, और एक साइड पे एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहा है उसकी कोई कॉल आई, उसके लिए कोई प्रोसेस आया, तो उसकी प्रायोरिटी डेफिनेटली कम होगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस पी आई जनरेट अ पेज फॉल्ट, चले ये आगे चल गया। अब पेज फॉल्ट कब अकर होता है, जब आपको नेक्स्ट फ्रेम या नेक्स्ट पेज जो है वो नहीं मिलता तो उस केस में पेज फॉल्ट होता है। तो पेज फॉल्ट का जो नॉर्मल जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो जब ये पेज फॉल्ट अकर हो जाएगा तो हम फिर इसके अगेंस्ट जो प्रायोरिटी एलोकेशन कर रहे होंगे तो फिर क्या कर रहे होंगे, अब हर एक फ्रेम की प्रायोरिटी भी आप साथ साथ लेके चल रहे हैं। पहले काउंटिंग नंबर लेके चल रहे थे, फिर प्रायोरिटी बिट लेके चल रहे थे, फिर आप रेफरेंस बिट की हमने बात की कि हर एक प्रोसेस या फ्रेम के साथ रेफरेंस बिट अटैच होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रायोरिटी नंबर की।
आप हर पेज के साथ या हर फ्रेम के साथ सिक्योरिटी नंबर भी आप साथ साथ मेंटेन कर रहे होंगे एलोकेशन के अंदर। जिस पेज की प्रायोरिटी लो होगी उसको आप आउट करेंगे और जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको इन कर लेंगे। इस केस में एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं कि हमारे पास सिस्टम में दो तरह के प्रोसेस चल रहे होते हैं। एक तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने कुछ प्रोसेस जो हैं वो मेन मेमोरी में लोड हो रहे होते हैं और कुछ जो हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से कुछ प्रोसेस लोड हो रहे होते हैं। तो हम नॉर्मली जो सिस्टम के अपने प्रोग्राम्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी हाई रखते हैं और बाकी जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी लो रखते हैं। उसका मकसद यह है कि सिस्टम को खुद तो चलना चाहिए, जब वो खुद एग्जीक्यूट होगा, जब खुद फंक्शनल होगा तो फिर ही कोई रिक्वेस्ट जो है वो हमारी एक्सेप्ट कर पाएगा। तो उस केस में हम प्रायोरिटी एलोकेशन फ्रेम की कर देते हैं कि सिस्टम जनरेटेड जो प्रोसेस होंगे उनको हम क्या कर देंगे, फ्रेम्स ज़्यादा दे देंगे, पेजेस ज़्यादा दे देंगे, और जो हमारे दूसरे फ्रेम्स आएंगे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वेस्ट है जिनकी प्रायोरिटी कम है जिन फ्रेम्स की उनको हम लेस फ्रेम्स जो है एलोकेट करेंगे। तो इसका मतलब है कि अब इस केस में अगर ये वाली प्रायोरिटी एलोकेशन करते हैं तो आपको हर फ्रेम के साथ उसकी प्रायोरिटी बिट भी ऐड करनी पड़ेगी जो ये डिफाइन करेगी कि इस प्रोसेस की प्रायोरिटी बिट हाई है प्रायोरिटी या इस प्रोसेस की प्रायोरिटी जो है वो लो है। प्रायोरिटी हाई वाले जो प्रोसेस होंगे उनको फ्रेम ज़्यादा दिए जाएंगे और जो फ्रेम्स होंगे वो, अब इस केस में अगर फ्रेम की बात करें तो जिनकी प्रायोरिटी हाई होगी वो वहाँ पे रहेंगे मेन मेमोरी में और जिनकी प्रायोरिटी लो होगी उनको स्वैप आउट किया जा सकेगा। ठीक हो गया, ये हमारी प्रायोरिटी एलोकेशन होगी। फिफ्थ एलोकेशन हमने देख ली फ्रेम्स की। अब ये ग्लोबल वर्सेस लोकल एलोकेशन की बात हो रही है। ग्लोबल रिप्लेसमेंट जो होगी वो क्या होगी, अब ग्लोबल भी है कि जितने प्रोसेस अवेलेबल हैं उनमें से रिप्लेसमेंट का सोचा जाएगा। वन प्रोसेस रैंक फ्रॉम, अब इसमें क्या होगा, प्रोसेस सेलेक्ट अ रिप्लेसमेंट फ्रेम फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल फ्रेम्स। वन प्रोसेस कैन टेक अ फ्रेम फ्रॉम अदर प्रोसेस, कोई भी एक प्रोसेस एक फ्रेम दूसरे फ्रेम से वो ले सकता है। अब इस केस में ग्लोबल वर्सेज लोकल का कंसेप्ट आप थोड़ा सा समझ लें। ग्लोबल रिप्लेसमेंट है और लोकल रिप्लेसमेंट है एलोकेशन के हवाले से। अब होगा क्या, एक तो ये है कि आपका एक प्रोसेस भी वन चल रहा है, एक तो ये है कि उसको नेक्स्ट आप फ्रेम चाहिए, कोई पेज वहाँ पे मेन मेमोरी में चाहिए और स्पेस नहीं है, वो पूरे जितने भी फ्रेम्स उस मेन मेमोरी में लोडेड हैं उनमें से किसी एक के साथ रिप्लेसमेंट कर, इसको तो कहेंगे ग्लोबल रिप्लेसमेंट। फिर लोकल रिप्लेसमेंट ये है कि पी वन चल रहा है, उसके 15-20 पेजेस या फ्रेम लोड हो चुके हैं मेन मेमोरी में, अब उसने कोई एक पेज स्वैप आउट करना है, अपनी मेन मेमोरी से वापस भेजना है, तो वो अपने ही 15-20 पेजेस में से देखेगा कि कौन सा पेज जो है वो लीस्ट यूज हो रहा है, कम से कम इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको मैं स्वैप आउट कर लूँ, उसके साथ मैं स्वैप आउट कर लूँ। तो इसको लोकल हम रिप्लेसमेंट का नाम देते हैं। दोबारा समझ लें, दो तरह की रिप्लेसमेंट होती है ग्लोबल वर्सेज लोकल एलोकेशन के अंदर, कि आपको नए जो फ्रेम एलोकेट होने हैं। अगर ग्लोबल रिप्लेसमेंट की बात करेंगे तो उस केस में आपके पास जितने भी फ्रेम्स मेमोरी के अंदर मेन मेमोरी के अंदर लोडेड हैं अवेलेबल हैं उसमें से किसी एक के साथ वो स्वैप इन या स्वैप आउट का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा। वो जो अवेलेबल जितने भी फ्रेम्स हैं पेजेस लोडेड हैं मेन मेमोरी में उनमें से कोई भी फ्रेम जो है वो स्वैप आउट किया जा सकता है, वापस वर्चुअल मेमोरी में भेजा जा सकता है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर पी वन ने 15-20 फ्रेम्स ऑलरेडी कैप्चर कर रखे हैं तो फिर वो अपने ही फ्रेमों में से कोई एक फ्रेम वापस स्वैप आउट करें और स्वैप इन करें कोई अपना फ्रेम, तो इस केस में आप उसको लोकल रिप्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो ये भी एलोकेशन का अंदाज हमने देख लिया। अब ये जो सारी टेक्निक्स देखी इसके अंदर अगर आप देखें एक नया कंसेप्ट जो है वो जन्म लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी मेन मेमोरी के अंदर स्पेस कम है और बार बार ये जो स्वैप इन स्वैप आउट और पेज फॉल्ट का ऑपरेशन जो है बार बार आपके पास अक्कर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप किसी पेज की रिक्वेस्ट करते हैं तो पहले आपको कोई ना कोई एल्गोरिथम चलाना पड़ता है और उस पेज को लोड करना पड़ता है मेन मेमोरी में। तो लोड करने से पहले आपको कोई ना कोई एल्गोरिथम डेफिनेटली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जो ये डिसाइड करेगा कि कौन सा पेज आप स्वैप आउट होगा और कौन सा नया पेज जो है वो स्वैप इन होगा। इस केस में सारी जो प्रोसेसिंग है वो तो सारी इसी पे लग जाएगी कि सीपीयू को पेज एक्चुअल तो मिल ही नहीं पाएगा, बस ये पेज कभी स्वैप इन हो रहे हैं स्वैप आउट हो रहे हैं। तो इसको हम जो स्वैपिंग है, अगर स्वैपिंग एक लिमिट से बढ़ जाती है तो इस टर्म को हम क्रैशिंग का नाम देते हैं।
अब ये लास्ट लाइन में लिखा प्रोसेस इज बिजी स्वैपिंग पेजेस इन एंड आउट। अगर ये प्रोसेस इसी चीज में लगे, कुछ पेज को स्वैप इन कर रहा है, कुछ को स्वैप आउट कर रहा है, और अगर मेमोरी इस लिहाज से कम पड़ जाती है किसी वजह से कि बस स्वैप इन एंड स्वैप आउट पे ही सिस्टम रहता है, तो इसको हम थ्रैशिंग का नाम देते हैं। अब होता क्या है, इफ अ प्रोसेस डज नॉट हैव एनफ स्पेसेस पेजेस, अब उसके पास काफी ज्यादा पेजेस नहीं है, द पेज फॉल्ट रेट इज वेरी हाई। अब कोई प्रोसेस आपका मेन मेमोरी में लोड हुआ लेकिन उसके बहुत ही कम पेजेस मेन मेमोरी में लोड हुए हैं, तो जब भी सीपीयू किसी पेज की रिक्वेस्ट करता है तो वो पेज नहीं मिलता उसको, तो उस केस में पेज फॉल्ट रेट जो है, पेज फॉल्टिंग के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये जो है, अगर पेज फॉल्ट ही अक्सर होता रहेगा और एक्चुअल काम जो है हमारा वो नहीं हो पाएगा, तो फिर आप सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो है वो लो हो जाएगी। हमारा जो सारा कंसेप्ट चल रहा है वो तो इसी चीज़ पे चल रहा है कि हमने सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, और अगर सीपीयू मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं होता तो फिर हमारे इस कंसेप्ट की तो कोई समझ नहीं आती। हमने जो जो मेमोरी मैनेजमेंट और ये चीज़ें वर्चुअल मेमोरी और ये सारे कंसेप्ट ला रहे थे, ये सारे एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे थे, उनका मकसद यही था। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ही थीम रहता है कि हमारा जो सीपीयू हो है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट करे, मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट प्रॉपर इंप्लीमेंट हो सके। वो इसी सूरत में हो सकता है कि पेज फॉल्ट और ये जो साइड वाले प्रॉब्लम्स हैं ये कम से कम हों। ऑपरेटिंग सिस्टम थिंक्स दैट इट नीड टू बी इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम हर वक्त यही सोचता है कि मैंने मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को किसी ना किसी तरह इन्हेंस करना है, उसको और बेहतर करना है, मैं एक टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर सकूँ। Another process added to the system. अब अगर ये ऐसा नहीं होता, कोई एक नया अगर प्रोसेस ऐड होता है और आपके पास स्पेस ही नहीं है, ऑलरेडी पेज फॉल्टिंग हो रही है, ऑलरेडी आपको पेज मिल नहीं रहे पाए, फ्रेम जो सिस्टम को चाहिए वो लोडेड ही नहीं है, तो उस केस में फिर क्या होगा, स्वैपिंग का जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब स्वैपिंग का ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फॉल्ट रेट भी बढ़ जाता है, एक तो सीपीयू यूटिलाइज नहीं हो रहा, और दूसरा इस कंसेप्ट को हम नाम देते हैं थ्रैशिंग। ठीक हो गया, इसको आगे देखते हैं थ्रैशिंग कंसेप्ट को। आइए, एक डायग्राम बनाई हुई है सीपीयू यूटिलाइजेशन का। सीपीयू अच्छा खासा इस्तेमाल हो रहा था एक लिमिट तक, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी ठीक जा रही थी, लेकिन एकदम आपकी स्वैपिंग जो है, ये जो थ्रैशिंग का एरो बना हुआ है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा इशू आया कि आपकी जो पेजिंग का काम था वो सही हो नहीं पा रहा था, आपकी जो स्वैप इन स्वैप आउट के ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, पेजेस मिलने बंद हो गए, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर, और लोकेलिटी में ओवरलैप आप जो है अपना ही एक प्रोसेस को इस हद तक जरूरत पड़ गई कि वो अपने ही कुछ फ्रेम स्वैप आउट कर रहा है और अपने ही कुछ फ्रेम स्वैप इन कर रहा है, तो इस केस में फिर आपके पास जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो एकदम सीपीयू आइडियल हो जाएगा, कोई यूटिलाइजेशन उसकी होगी ही नहीं। तो इस पॉइंट को, ये जो ग्राफ के अंदर ये जो पॉइंट है, इसको हम थ्रैशिंग का नाम देते हैं, जहाँ पे हमारी यूटिलाइजेशन सबसे कम हो जाती है, स्वैपिंग सबसे ज़्यादा हो जाती है। अब हमने देखना है कि ये स्वैपिंग का जो थ्रैशिंग का कंसेप्ट है ये अक्कर ही क्यों होता है, इसको हम फिर किस तरह मैनेज करें। साइज ऑफ लोकेलिटी ग्रेटर दैन टोटल मेमरी साइज, जो आपको लोकल लेवल के ऊपर जो आपको फ्रेम्स नेसेसरी फ्रेम्स नीडेड हैं वो बढ़ गए हैं, लेकिन टोटल मेमोरी साइज जो है वो आपका कम है। कहने का मतलब है जितने फ्रेम्स आपको लोड करने हैं किसी कुछ जो प्रोसेस चल रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, उनका साइज ज़्यादा है, आपकी एक्चुअल जो टोटल मेन मेमोरी का साइज है उससे बढ़ गया है। तो डेफिनेटली जब आपके साइज जो है जो रिक्वेस्ट और या प्रोसेसर का साइज जो है वो बढ़ जाएगा मेन मेमोरी से, तो फिर आपके पास जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा स्वैप इन एंड स्वैप आउट का, आपके पेज रिप्लेसमेंट का या फ्रेम रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट आएगा, और जैसे ही पेज रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट आएगा तो पेज फॉल्टिंग का जो इशू है वो आएगा, और जैसे ही पेज फॉल्टिंग का इशू एक लिमिट से बढ़ जाएगा तो फिर हमारे पास यही काम रह जाएगा स्वैप इन एंड स्वैप आउट का, और जब स्वैप एंड स्वैप आउट बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा तो सीपीयू यूटिलाइजेशन कम होने लग जाएगी, और जब सीपीयू यूटिलाइजेशन एकदम सीपीयू ब्लॉक हो जाता है या आइडियल हो जाता है तो उस पॉइंट को हम थ्रैशिंग का नाम देते हैं। अब पेज फॉल्ट फ्रिक्वेंसी स्कीम बेसिकली होनी के चाहिए जैसे जैसे नंबर ऑफ स्कीम, अब यहाँ पे पेज फॉल्ट रेट सबसे पहले बहुत ज़्यादा था, फिर वो कम होता गया नंबर ऑफ फ्रेम्स जैसे जैसे बड़े, वो पेज फॉल्ट कम होता गया। कैसे, देखिए आपके जब भी प्रोसेस लोड होता है, तो चलिए यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो एक सेशन है ना 40 मिनट्स का जूम का वो डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो हम इसको एक दफ़ा डिस्कनेक्ट करते हैं और आप रीजॉइन करें, तो हम फिर इस टॉपिक से दोबारा स्टार्ट करते हैं कि पेज फॉल्ट
जो फ्रीक्वेंसी स्कीम है ये बेसिकली चलती किस तरह है। तो अभी मैं दोबारा आपको लिंक सेंड करता हूँ, आप वहाँ पे दोबारा ज्वाइन करें जल्दी से ना, इसको अभी हम